कलर्स टीवी सीरियल उड़ान में आया है एक नया मोड़। चकोर ने सूरज को कन्विंस किया है करण को आजाद गन के प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए। आज सूरज के ये प्रोजेक्ट का पहला दिन है और शुरुआत अच्छी हो उसके लिए चकोर सूरज को दही चीनी खिलाती है। माँ भी सूरज को दही चीनी खिलाकर आशीर्वाद देती है। चकोर को सूरज थोड़ा परेशान दिख रहा था तो उसकी परेशानी दूर करने को चकोर उसको करती है किस। सूरज भी रोमांटिक मूड में आकर चकोर को रिटर्न किस करता है और थोड़ा रिलैक्स फील करता है। आखिर सूरज को किस बात से हो रही है परेशानी? क्या उसे है करण पर कोई शक? टेलीविजन की ऐसी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें। टेंशन जो है अभी काफ़ी दूर करके वो जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चकोर ने उसे कन्विंस कर लिया है और वो जा रहा है आज़ादगंज की उन्नति का जो प्रोजेक्ट करण ओबरॉय ने शुरू किया है उसका साथ देने के लिए। बट या बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा सस्पेशन है कि क्यों ये बंदा इतना इंटरेस्ट ले रहा है। इट्स नॉट अ जॉब एक्चुअली, ये एक प्रोजेक्ट है हमारे आज़ादगंज को आगे ले जाने का जिसमें हम करण का साथ दे रहे हैं और अपना दूसरा काम तो ऑलरेडी है ही, रेशम का कारोबार। तो ये अच्छे से अगर उन्नति हो जाए, क्योंकि ही वांटेड समवन हु न्यू अ लॉट अबाउट आज़ादगंज, तो चकोर नहीं कर रही है उसे ज्वाइन बिकॉज सानवी उसकी प्रायोरिटी है, ये घर उसकी प्रायोरिटी है। और ये देख के सूरज को भी अच्छा लगा कि उसने अपनी प्रायोरिटीज़ ऐसे सेट की हुई है। तो ये देख के भी जब चकोर उसे बोलती है जाने के लिए तो वो चला जाता है। उसे कहते हैं प्यार, जो अक्सर फैमिली सीन्स में होता है, माँ बेटा बहू बेटी सब एक साथ थे, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई एंड उसके बाद उनका एक पर्सनल थोड़ा सा मोमेंट था, स्मॉल पेक दैट यू गिव बिफोर स्टार्टिंग द डे वाला। सो चकोर इज प्रॉब्ली बीइंग अ लिटिल पजेसिव अबाउट हर डॉटर राइट नाउ। वो एक बहुत पजेसिव फेज से गुजर रही है जहाँ वो सिर्फ अपनी बच्ची से बहुत प्यार करना जानती है, बट वो ये नहीं जानती कि दूसरों को भी देना चाहिए। फैमिली इज ऑलवेज, बच्ची हमेशा फैमिली के पास सेफ रहेगी। तो उसकी मम्मी उसको वही बचपन का उसका एग्जाम्पल देके और इस तरह रिलेट करके उसको समझाती है। अब चकोर को समझ आई है तो कुछ थोड़ा रेक्टिफिकेशन होगा।